हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज इन लाइफ। दोस्तों, हम सब लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं बहुत सारा टाइम जीवन में उसी के पीछे लगा देते हैं कि जिस दिन हम सफल होंगे या हम एक्स वाई जेड कोई चीज अचीव करेंगे उसके बाद हम बहुत खुश होंगे। तो हमारी पूरी जिंदगी उसी चीज के कोशिश करने में निकल जाती है कि इसको अचीव करें, इसको अचीव करें, इसको अचीव करें, उसके बाद हम जिंदगी जिएंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी, एक आदमी भगवान की पूजा करता है, प्रार्थना करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, उससे बोले क्या वरदान मांगते हो, क्या चाहिए आपको? उसने बोला भगवान मेरे को अमृत दीजिए, जिसे पी के मुझे बहुत ताकत आ जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो, मुझे कोई चिंता ही नहीं हो। भगवान ने बोला ठीक है। बोले यहाँ से आप 100 मील दूर जाओ इस दिशा में और वहाँ पर आपको मिलेगा। वो इंसान वहाँ से इमीडिएटली दौड़ता रहता है, चलता रहता है, दौड़ता रहता है, 100 मील तक जाता है। उसे जाने में 2 दिन लग जाते हैं, ना खाए ना पिए, भूखे पेट वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है तो एक पॉट, एक मटका रखा हुआ है और उस मटके को उठा के पूरा पीने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस में वो मर जाता है। ज़्यादा पी लिया, भूखा था, बहुत थक गया था, आराम नहीं किया था। दोस्तों, हमारी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में यही होता है। हम सफलता को किसी चीज को मान के उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसी उम्मीद में चलते रहते हैं, जिस दिन हम इसको अचीव करेंगे उस दिन खुश होंगे। और हम उसके पीछे पड़ रहते हैं, पूरी जिंदगी उसके पीछे पड़ रहते हैं और जिंदगी जी नहीं पाते। वही हमारी लाइफ होती है। और इससे ये पता चलता है, जब जिंदगी में लालच होता है तो वो कितना खराब होता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, अधिकता हर चीज की बुरी बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप ज्यादा लेने की कोशिश करोगे और बुरा होगा। और इस सिचुएशन से एक चीज याद आती है, एक मूवी आई थी पिछले दिनों, 3 इडियट, जिसमें बोमन ईरानी एक करेक्टर प्ले करते हैं। वो बोलते हैं लाइफ इज अ रेस, आप दूसरे को गिरा दो, खुद आगे बढ़ जाओ एंड विन द रेस। कुछ अंडे का एग्जांपल देते हैं। तो एक ऐसे मेंटलिटी आ गई है कि आप दूसरों को गिराओ, खुद आगे बढ़ो और रेस जीत जाओ। और रेस क्या पता नहीं, बट इस प्रोसेस में हम बाकी लोगों से इतनी दुश्मनी कर लेते हैं कि अपने जीवन को और खराब कर लेते हैं, अपने मित्रों को भी खो देते हैं। जिंदगी या ये जर्नी या ये जो हम चेज करने के लिए जो हम जी रहे हैं, वास्तव में यही लाइफ है। जब हम मंजिल की बात करते हैं, जिस दिन कुछ अचीव कर लेंगे, जो मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है, वो डेथ है, वो मृत्यु है। जब हमें ये लगता है या जब हमें ये लगेगा हम पहुंच गए, तो एक्चुअली हम मर गए होंगे। और जब हम मर जाएंगे तब हमें पता चलेगा हम एक्चुअली पहुंच गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आज में ही जीना चाहिए। इसका मतलब यह है हमें आज भी जीना चाहिए और इस तरह से जीना चाहिए कि कल भी जिए। कई बार लोग आज में ऐसा जीते हैं कि अपने कल को खराब कर लेते हैं, वो भी गलत है। तो आज भी जियो, लेकिन ऐसा जियो कि कल भी जियो और अच्छे से जियो। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमें अपनी खुशी का खुद ध्यान रखना चाहिए या क्या हमें अपनी खुशी ही देखनी चाहिए। हाँ, हमें अपनी खुशी देखनी चाहिए, लेकिन किसी और को दुखी करके नहीं, अपनी खुशी बिल्कुल देखनी चाहिए। पिछले दिन एक मूवी आई थी, रईस, शाहरुख खान ने एक्ट किया था। वो एक एक्चुअल घटना पर आधारित वो मूवी थी, गुजरात बेस्ड। उस मूवी के, उस पिक्चर के शुरुआत में शाहरुख खान की जो मदर बनती है वो बोलती हैं कि बेटा, दुनिया में कोई काम बुरा नहीं है, लेकिन उससे किसी और को दुख तकलीफ ना हो। शाहरुख खान उसी सो कॉल्ड प्रिंसिपल पर चलते हैं और एक अमीर आदमी बन जाते हैं। आखिरी में जब उनको, उनके सामने उनकी मौत आती है, तो उनको याद आता है कि माँ ने ये बोला था कि कोई काम बुरा नहीं है, लेकिन उसमें दूसरे का नुकसान, दूसरे को दुख ना हो। लेकिन उसने खुद बड़ा करने के चक्कर में बहुत लोगों को नुकसान किया, बहुत लोगों को दुखी किया, बहुत लोगों को हर्ट किया, तो आज उसकी वो हालत हुई। और वो, क्योंकि वो चैप्टर भूल गए थे, तब वो माँ को याद करते हैं एंड वहाँ पे मूवी एंड होती है। तो कहने का मतलब है हमें अपनी खुशी के लिए काम करना है, हमें अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करना है, लेकिन किसी को दुख दे के नहीं, किसी को और को कष्ट दे के नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है हमारे आज का डिस्कशन ये आपको कुछ सोचने जरूर मजबूर करेगा कि जिंदगी एक मंजिल है या जिंदगी जो जी रहे हैं वो जिंदगी है। तो जियो, आज में जियो और इस तरह से जियो कल भी जियो।
एंड कीप वॉचिंग डेजन लाइफ एंड इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद सम अवर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस टुडे.